राजस्थान के धौलपुर जिले में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आम जन का जीना दुश्वार हो गया है। वारदात बीती रात करीब 2 बजे की है, जहां राजा खेड़ा उपखंड के सिविल न्यायालय के पास स्थित अपने निजी मकान में कमरे में सो रहे 42 वर्षीय स्कूल संचालक को अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतक स्कूल संचालक की पत्नी ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। राजाखेड़ा थाना प्रभारी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 25 सिविल कोर्ट के पास निवासी मृतक मुकेश शर्मा की पत्नी शशि देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह अपने पति के साथ बीती रात को अपने निजी मकान के कमरे में सो रही थी। बीती रात करीब 2 बजे के आसपास अज्ञात हमलावरों ने कमरे की खुली खिड़की से मुकेश के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर अन्य परिजन जाग गए और मुकेश को खून से लथपथ अवस्था में पड़ा देखकर होश उड़ गए। परिजनों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण कर इलाके में नाकेबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने मौके पर FSL टीम बुलाकर घटना स्थल के नमूने लिए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।